नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे स्लस्की विधि में किस तरीके से कीमत प्रभाव से हम स्थानापन्नता और आय प्रभाव को अलग करते हैं। आप जो चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में समांतर अक्ष पर वस्तु एक्स को लिया गया है और अनुलंब अक्ष पर वस्तु वाई को। यद्यपि हम लोग स्लस्की विधि का जो उदासीनता वक्र है इसको हम पीछे एक वीडियो में समझ चुके हैं, बस यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, वहाँ पर हमने समझा था स्थानापन्नता प्रभाव, यहाँ पर हम कीमत प्रभाव से स्थानापन्नता और आय प्रभाव इनको अलग करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि एक उपभोक्ता है जिसकी पी और क्यू ये उसकी बजट लाइन है। इस बजट लाइन पर आर बिंदु में संतुलन पर था। आपने उस वीडियो में देखा था कि जब उस वस्तु की एक्स वस्तु की कीमत घट जाती है, उसका रेट घट जाता है, तो स्वाभाविक है कि वस्तु एक्स की अधिक मात्रा खरीदेगा तो क्यू से क्यू वन हो जाएगा। पी क्यू जो मूल बजट रेखा है अब बजट रेखा बन जाएगी पी क्यू वन। फिर क्या किया था हम लोगों ने, जो उसकी आभासी वास्तविक आय थी उसको कम करके और M1 N1 ये बजट लाइन खींचकर उसको ऊंचे उदासीनता वक्र के S बिंदु पर हम संतुलन में लाए थे, R से S पर। ये स्थानापन्नता प्रभाव था। अब अगर आप उसको जो उससे ले रहे हैं उसके रुपए वापस ले रहे हैं टैक्स के माध्यम से, अगर वो उसको वापस दे दिए जाए तो व्यक्ति कहाँ पहुँचेगा, फिर से वो I3 इस उदासीनता वक्र पर T बिंदु पर पहुँच जाएगा। अब जैसे ही T बिंदु पर पहुँचेगा तो R से T पर जाना बिल्कुल सेम वही चीज़ है जैसे हिक्स की थी। R से टी पर जाना ये कीमत प्रभाव है। अब कीमत प्रभाव में दोनों चीज़ें शामिल हैं, स्थानापन्नता प्रभाव और आय प्रभाव। तो आर से एस उदासीनता वक्र फर्स्ट से उदासीनता वक्र सेकंड पर आना ये स्थानापन्नता प्रभाव है, और उदासीनता वक्र सेकंड से उदासीनता वक्र थर्ड पर जाना ये आय प्रभाव है। तो या इधर आप देखें तो ऐसे कह सकते हैं कि ए सी ओ ए यहाँ पर पहले संतुलन में था, इधर जब ओ ए मात्रा खरीद रहा था तब आर, जब एस पर पहुँचा तो ओ सी, और जब टी पर पहुँचा तो ओ डी। मतलब यह है कि ए डी इतना यह है आपका कीमत प्रभाव। इस कीमत प्रभाव में ए सी है स्थानापन्नता प्रभाव और सी डी है आय प्रभाव। तो ए डी बराबर ए सी प्लस सी डी, कीमत प्रभाव बराबर स्थानापन्नता प्रभाव प्लस आय प्रभाव। तो ये हम लोगों ने आज समझा है। अब हम लोग कुछ अन्य चीज़ों को भी समझते हैं। अब हम लोग उदासीनता वक्र में, वक्र विश्लेषण में स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं को समझते हैं। उदासीनता वक्र विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि दो संबंधित वस्तुएं हैं एक्स और वाई, जैसा आप देख रहे थे, जो स्थानापन्न या पूरक हो सकती है। वे जो दो वस्तुएं हैं वो स्थानापन्न हो सकती हैं अथवा पूरक हो सकती हैं। प्लेटो ने पूरक और स्थानापन्न वस्तुओं के बीच संबंध की व्याख्या प्रतिवर्ती की। ये प्रतिवर्ती जो शब्द है ये कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका अभिप्राय होता है कि यदि y के लिए x स्थानापन्न है तो x के लिए y स्थानापन्न है, माने एक दूसरे के लिए वस्तुएं स्थानापन्न होती हैं। इसी का मतलब होता है रिवर्सिबल प्रतिवर्ती। और इसको भी कह सकते हैं कि यदि y का पूरक x है
तो एक्स का पूरक वाई है, अर्थात जो एक्स और वाई वस्तुएं हैं वे एक दूसरे की स्थानापन्न अथवा पूरक हैं। इस अर्थ में एक उदासीनता वक्र की आकृति इस बात पर निर्भर करती है कि क्या दो वस्तुएं पूर्ण या अपूर्ण स्थानापन्न है अथवा पूरक। तो दो वस्तुएं यक्स और वाई अगर अपूर्ण स्थानापन्न हो, पूर्ण नहीं अपूर्ण स्थानापन्न हो, तो उदासीनता वक्र की सामान ढाल ऋणात्मक ढलान की आकृति होती है, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं। ये चित्र हम लोगों ने कई बार देखा है, इसी तरीके की ऋणात्मक ढलान होती है। यदि दो वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न हो तो उदासीनता वक्र नीचे की ओर ढालू सरल रेखा होता है, इस तरीके का। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता इन दो वस्तुओं के बीच भेद नहीं करता है, जैसे चाय के दो ब्रांड है चाय ही, और उसके दो नाम अलग अलग हैं, ऐसी उसमें जो उपभोक्ता है वो भेद नहीं करता है, इस तरीके का इसका ये बनता है। अगर कोई दो वस्तुएं हैं जो निकट स्थानापन्न है, जैसे कि मोटा चावल है, गेहूं है, तो ऐसी वस्तुओं की जो स्थानापन्नता है, या ऐसी दो वस्तुओं की उच्च कोटि की स्थानापन्नता होती है, इसको भी हम एक चित्र के रूप में चित्र से देख सकते हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र में वस्तु यक्स और वस्तु वाई ये निकट स्थानापन्न है। जब निकट स्थानापन्न होंगी, या यहाँ पर हम मोटा चावल मान लें और इस जगह पर गेहूँ मान लें, तो इस तरीके का जो उदासीनता वक्र। दोस्तों, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, चित्र 45 का ए भाग, इस भाग में वस्तु यक्स और वस्तु वाई ये जो वस्तुएं हैं ये पूर्ण पूरक वस्तुएं हैं। जब पूर्ण पूरक वस्तुएं होती हैं, ऐसी अवस्था में उदासीनता वक्र इसको ये समकोण की आकृति का, या इसको एल आकृति भी बोलते हैं, समकोण अथवा एल आकृति का होता है। इसमें आप क्या देख रहे हैं, चाहे उदासीनता जो वक्र है ये इस पर ए बिंदु हो, एम हो अथवा बी, इसमें वस्तु वाई की कितनी भी मात्रा कम खरीदी जाए, लेकिन जो बी है, इसकी वस्तु यक्स की मात्रा है, उसमें बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हो रही है। बिंदु जो बी है, इस पर एम की अपेक्षा अधिक मात्रा मिल रही है एक्स की, लेकिन वाई की समान ही है। तो ऐसी अवस्था में जो पूरक वस्तुएं हैं वो दाएं और बाएं जूते हो सकते हैं, इधर जा दायां जूता और इधर बायां जूता। ये दूसरा चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में जो वस्तुएं हैं एक्स और वाई, ये वस्तुएं अत्यंत पूरक वस्तुओं की स्थिति है, और इसमें उदासीनता जो वक्र है इसके घुमाव पर तीव्र वक्रता होती है, और ऐसे निकट जो वस्तुएं होती हैं वो टायर ट्यूब हैं, बिजली एवं बिजली के उपकरण होते हैं। अब हम समझते हैं उदासीनता वक्र विश्लेषण के लाभ या इसकी व्यावहारिकता क्या है। तो इससे विनिमय की समस्या हल की जा सकती है, उपभोक्ताओं पर सब्सिडी के क्या प्रभाव पड़ते हैं, राशनिंग की समस्याओं को हल करने में ये उपयोगी है, सूचकांक, रहन सहन की लागत मापना, आय अवकाश विनिमय और श्रम की पूर्ति, आय प्रभाव बनाम उत्पादन शुल्क, एक व्यक्ति की बचत योजना, उपभोक्ता की बचत का माप। इसको हम इसलिए भी श्रेष्ठ कह सकते हैं उपयोगिता सिद्धांत से, क्योंकि
क्योंकि उपयोगिता की जो गणन संख्या माप का इसमें त्याग किया गया है, दो वस्तुओं के संयोगों का अध्ययन है, और घटती सीमांत उपयोगिता नियम की जो उपयोगिता विश्लेषण की मान्यताओं के बिना व्याख्या है, तथा जो मार्शल का आनुपातिकता का नियम था उसकी जो है अच्छे ढंग से इसमें व्याख्या की गई है। आलोचनाएं इसकी ये हैं कि ये सिद्धांत वास्तविकता से दूर है, नई बोतलों में पुरानी शराब है, मध्यमार्गी घर है, उपभोक्ता विचारशील नहीं होता है, पूर्ण प्रतियोगिता तथा समरूप वस्तुओं की अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, और जोखिम या अनिश्चितता में उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करने में भी ये असफल है। बहुत बहुत धन्यवाद।